वेरी शॉर्ट वीडियो, प्लीज़ वॉच टिल एंड. दिस इज़ अ पेशेंट, 68 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी विद कंप्लेंट्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथलेसनेस सिंस 1 to 2 days. एंड दिस पेशेंट इज़ क्रॉनिक स्मोकर, अराउंड 20 to 25 ईयर हिस्ट्री ऑफ बीड़ी और सिगरेट स्मोकिंग. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस वीडियो इन हिंदी ऑल्सो. मैं इसे हिंदी में भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप ध्यान से सुनिए इसको. एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ है हमारे पास, 68 ईयर का मेल पेशेंट है. ये क्रॉनिक स्मोकर है, बीड़ी या सिगरेट पीता है 20 से 25 साल से, और इनको सांस में दिक्कत हुई है, तो ये इमरजेंसी आए हैं. ये इमरजेंसी में हमने इनका चेस्ट एक्सरे किया है, तो इनके चेस्ट एक्सरे में जो फाइंडिंग आई है वो मैं आपको समझाऊंगा. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द फाइंडिंग ऑफ द चेस्ट एक्सरे. ये पेशेंट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ का पेशेंट है, जिसमें कि जो पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, काफ़ी लंबे सालों से सिगरेट या बीड़ी पीते रहते हैं, उनके एक्सरे में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं और चेस्ट की डायमेंशन में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं. तो मैं आपको बेसिकली अभी बहुत शॉर्ट में ये एक्सरे समझाऊंगा. आपको ये ध्यान रखना है कि सीओपीडी के पेशेंट में हिस्ट्री के साथ में आपको चेस्ट एक्सरे को कैसे कोरिलेट करना है. तो इस पेशेंट के अंदर आप देखेंगे कि देखिए, ये ट्रैकिया है, ये क्लेविकल है, राइट साइड की क्लेविकल, लेफ्ट साइड की क्लेविकल, ये रिब्स हैं, और ये लंग्स है. लंग्स के अंदर ब्लैक कलर का जो पार्ट है ये एयर है. लंग चेस्ट एक्सरे के अंदर ब्लैक जो होती है वो एयर होती है. तो ये एयर जो है एक्स्ट्रा फिलिंग लग रही है हमें, मतलब कि ये हाइपर इन्फ्लेशन है. दूसरी चीज़, ये जो होता है डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम यूजुअली डोम शेप में होता है, इस तरीके से जैसे हमें कटोरी को उल्टा करके रख दें, तो डायफ्राम इस शेप का होता है, कॉनकेव होता है, कॉनकेव अपवर्ड, इस साइड का भी, इस साइड का भी. लेकिन सीओपीडी के पेशेंट्स में क्या होता है कि ये डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है. तो आप देख रहे हैं ये डायफ्राम फ्लैट हो गया इस साइड से, ये डायफ्राम लेफ्ट साइड का भी फ्लैट हो गया है, तो इसको बोलते हैं फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम. तो जब भी आपको फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम मिले दोनों साइड में, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग मिले. हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि एयर ट्रैपिंग. एयर ट्रैपिंग मतलब कि यहाँ पे जो काला हिस्सा, आपको ज़्यादा काला हिस्सा दिख रहा है दोनों साइड के लंग में, ये हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है. और तीसरा पॉइंट होता है ट्यूबुलर हार्ट. आप देखेंगे तो ये एक ट्यूब्यूल जैसा है, एक ट्यूब के जैसा ऐसा चला आ रहा है. तो ये एक पर्टिकुलर टिपिकल इमेज होती है ट्यूबुलर हार्ट शेडो की. तो आप देखोगे ये ट्यूबुलर हार्ट है. ओके, ये ट्यूबुलर हार्ट पहली फाइंडिंग. दूसरी फाइंडिंग हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ बाइलेटरल लंग फील्ड्स, और तीसरा है फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्राम, डोम ऑफ द डायफ्राम. तीन चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा. सीओपीडी के पेशेंट्स में चेस्ट एक्सरे में आपको तीन मेजर फाइंडिंग देखनी है. पहली, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग. हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा ब्लैकनिंग. हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स द एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड बोथ द लंग फील्ड्स एंड एयर एंड द ब्लैकनेस इज मोर कंपेयर टू नॉर्मल चेस्ट एक्सरेज. देन दिस इज द फाइंडिंग ऑफ ट्यूब्यूलर हार्ट. एक ट्यूब या पाइप जैसा हार्ट दिखता है आपको. एंड थर्ड फाइंडिंग इज फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम. डायफ्राम नॉर्मली कॉनकेव होता है, लेकिन सीओपीडी के केसेस में पेशेंट का डायफ्राम इस तरीके से देखिए ऑब्लिकली फ्लैट हो गया है. तो मैं आपको यही बताना चाहता था, ये पेशेंट हमारे साथ एक्यूट एक्सेजर्वेशन के साथ में आया हुआ है. तो हम इसके अंदर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि स्टीरॉइड, पहले चेस्ट को ऑस्कल्टेट करते हैं. चेस्ट को ऑस्कल्टेट करके हम देखते हैं स्टेथोस्कोप से कि कोई वीज या रोंकाई है या क्रैप्स है या नहीं, तो उसके बेसिस पे कोई स्पाजम है कि नहीं है. तो हम इसमें बेसिकली स्टीरॉइड देते हैं, आईवी स्टेरॉइड, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन 100 mg या 100 cc या 50 cc आईवी स्टेट. देन हम नेबुलाइजेशन करते हैं. नेबुलाइजेशन हम कर, यस, बैरल शेप चेस्ट ही कहते हैं उसको. एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर कम होता है, वो बैरल चेस्ट होती है. तो हम इसके केस में हम ये करते हैं कि नेबुलाइजेशन करते हैं. हाँ, एक सेकंड. हम इसमें नेबुलाइजेशन करते हैं. नेबुलाइजेशन में हम यूजुअली बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, इप्रोट्रोपिन ब्रोमाइड दे सकते हैं. थर्ड आता है कि कुछ कुछ पेशेंट्स में हम टैबलेट डेरीफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन, डेरीफाइलिन या थियोफाइलिन ग्रुप की टैबलेट भी देते हैं. और यदि O2 कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो हम ऑक्सीजन इनहेलेशन भी देते हैं. ऑक्सीजन और हमारा टारगेट होता है इसमें SpO2 को मेंटेन करना 88 से 92% के बीच में. हमें बहुत सारा ऑक्सीजन इनको नहीं देना होता है. एक सेकेंड संजना, तो आपका SpO2 का, ऑक्सीजन का टारगेट जो होता है वो आपको 88 से 92 तक अचीव करना है. ये ज़रूरी नहीं कि आप 95 या 96 के ऊपर ऑक्सीजन को अचीव करें. इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि डिटेल स्टडी के लिए आप HRCT चेस्ट करा सकते हैं. आप ये देख सकते हैं बीच बीच में कैल्सीफाइड कुछ कुछ ओपेसिटीज़ इसमें देखने को मिल रही हैं.
तो स्टीरॉयड देना है, देन इनहेल्ड बीटा एगोनिस्ट देना है, और बीटा एगोनिस्ट के पहले देख लें कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। यदि पेशेंट को टैकीपनिया है, जैसे कि पेशेंट का हार्ट रेट 30 पर जा रहा है या पेशेंट की लेबर्ड ब्रीदिंग है, तो कभी कभी हमें सीपैप या बाईपैप का सपोर्ट देना पड़ता है। इसके अलावा पेशेंट को बहुत सीवियर केसेस में CO2 नार्कोसिस हो या ABG में बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो, तो हमें वेंटिलेटर पर भी उसको पेशेंट को डालना पड़ सकता है। सो दिस इज अ चेस्ट एक्सरे ऑफ COPD पेशेंट, एंड द पेशेंट केम विथ एक्यूट एक्सेजर्वेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया एंड टेकिपनिया, रेस्पिरेटरी रेट अबव 30, एंड इन्वेस्टिगेशन में बेसिक इन्वेस्टिगेशन इज चेस्ट एक्सरे, फर्दर यू कैन गो फॉर CT स्कैन, HRCT चेस्ट, देन इसमें वी गिव एज पर द ट्रीटमेंट, वी फर्स्ट वी ऑस्कल्टेड द चेस्ट, इफ देयर आर स्पाज्म, वीजेस, रोंकाई और एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग इज देयर, यूजुअली द स्टैंडर्ड अप्रोच टू ट्रीटमेंट इज यूजुअली इन इमरजेंसी वी गिव हाइड्रोकॉर्ट और स्टीरॉयड इंट्रावीनस, देन वी गिव नेबुलाइजेशन, सॉल्ब्यूटामॉल एंड ब्यूटिसोनाइड एंड एपराट्रोपियम ब्रोमाइड काइंड ऑफ थिंग्स, देन वी कैन गिव थियोफाइलिन and other thing, oxygen support, the target level to achieve respiratory is 88% to 92%, we don't increases too much like 98-99%, so this much is enough, I think. Please like, share and subscribe, and if you like, please thumbs up or write in the comment section, and any other video if you like, please suggest me, and follow me on Instagram and Facebook. ID is given in my bio about section. I hope you liked it. Thank you for watching, guys. We'll meet you with another interesting video. Stay connected. Thank you for subscribing and thank you for watching.